नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर मैंटिक में। दोस्तों, हमारी जो बाइक या स्कूटर है उसमें बैटरी भी अच्छी होती है, चार्जिंग सिस्टम भी अच्छी होती है और सब वायरिंग वगैरह भी अच्छी होती है, रिले अच्छा होता है स्टार्टर का। फिर भी दोस्तों, हमारा स्टार्टर घूमता तो है लेकिन हमारी इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। उस सिचुएशन में हमें स्टार्टर सर्विस करना पड़ता है और स्टार्टर सर्विस के करने के बाद ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाता है। और स्टार्टर सर्विस करते समय स्टार्टर के कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी हमें चेक करने होते हैं। वो चेक कैसे करने हैं और स्टार्टर हमारा कैसे सर्विसिंग करना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये स्टार्टर मैंने निकाला है एक डिस्कवर बाइक का, तो ये स्टार्टर मैं आपको सर्विस करके दिखाऊँगा। ये बाइक में बैटरी भी नहीं थी, चार्जिंग सिस्टम भी ठीक से काम कर रही थी लेकिन स्टार्टर कभी कभी लगता था, कभी कभी लगता नहीं था। मतलब स्टार्टर तो घूमता था लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता था। तो ये स्टार्टर में कैसे खोलना है और क्या क्या चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब करें मास्टर माइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये स्टार्टर मोटर मैंने निकाली है, उसमें 7 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, वो मैं पहले निकालूंगा। लेकिन बोल्ट निकालने से पहले आपको प्रिकॉशन के लिए इसमें एक मार्किंग करनी है ताकि जब हम फिटिंग करते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं टोटल, तो फिटिंग करते समय तीनों पार्ट है वो ठीक से लगने चाहिए जो ओरिजिनल होते हैं कंडीशन, उस कंडीशन में। इसलिए हमें मार्कर से उस पर मार्किंग करना है दोनों साइड में ताकि जैसा हमने खोला है वैसा ही बैठ सके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उल्टा लगता है और गाड़ी के इंजन में बैठ नहीं पाता, इसके लिए हमें दोबारा खोलना पड़ता है। वो हेडेक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ये ऐसा मार्किंग करना चाहिए। ये मार्किंग मैंने कर लिया ताकि मैं इसे निकालूंगा तब सेम उसी पोजीशन में बिठा सकूंगा। तो ये 7 नंबर के 2 बोल्ट है ये मैं निकाल के ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या। ये 7 नंबर के बोल्ट दोनों मैंने निकाल दिए, ये देखो, और ये जो बॉडी है ये इस तरह निकल जाएगी। ये देखो, ये ब्रश है इसके दोनों, ये अगर ब्रश घिसे हुए हैं तो आप ब्रश भी बदल सकते हैं। ये जो स्क्रू होते हैं ये निकाल के हमें ये ब्रश बदलने पड़ते थे। तो फिलहाल ये ब्रश तो ठीक है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैग्नेट होता है इसलिए तो ताकत लगा के हमें निकालना होता है। इसमें ये जो कार्बन पकड़ता है इसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, ये वॉशर होता है, ये फिर से हमें, और ये कम्युनेटर होता है। कम्युनेटर में ये देखो कार्बन पकड़ा हुआ है, ये जो कलर है ये ना कॉपर का होता है, ये कलर कॉपर जैसा होना चाहिए। ये जो कार्बन पकड़ता है इसके कारण क्या है, कम्युनेटर ब्रश के साथ ठीक से कम्युनेट नहीं कर पाता और जो करंट है हमारा, जो वोल्टेज है ब्रश के थ्रू इस आर्मेचर में आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी क्रिएट करता है, तो ये करंट ठीक से आ नहीं पाता है, इसमें वोल्टेज सप्लाई नहीं हो पाता कार्बन के कारण। इसके कारण ये प्रॉब्लम आता है, स्टार्टर घूमता तो है लेकिन जितनी पावर चाहिए इंजन को उतनी दे नहीं पाता और इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। तो ये सिर्फ हमें पॉलिश पेपर लेके ठीक से क्लीन करना है। ये अभी मैं क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ, ये कलर देख लो एक बार, और घिसने के बाद एकदम कॉपर जैसा कलर हो जाएगा इसका। इसमें आप दोस्तों 800 नंबर का या 1000 नंबर का पॉलिश पेपर यूज़ कर सकते हो, उससे क्या है ज़्यादा रब भी पॉलिश पेपर यूज़ नहीं करना है। रब मतलब जो कम नंबर का पॉलिश पेपर होता है वो रब होता है, ज़्यादा नंबर का पॉलिश पेपर होता है वो एकदम स्मूथ होता है। ये देखो, एकदम क्लीन हो गया, ऐसा क्लीन होना चाहिए। तो बहुत सी बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। और एक प्रॉब्लम होती है, ये जो आर्मेचर है ये शॉर्ट होता है ग्राउंडिंग के साथ, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें ये आर्मेचर को बदलना पड़ता है, नया डालना पड़ता है। वो कैसे चेक करेंगे दिखाता हूँ मैं। ऐसे 12 वोल्ट की बैटरी लेनी है और एक बल्ब लेना है, ये देखो, और बल्ब उसे सीरियल में कनेक्ट करना है। ये देखो, ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब का एक जो टर्मिनल है ये हमें ग्राउंडिंग को देना है, मतलब ये जो आर्मेचर है इसके मेटल को, ये देखो, ये मेटल के साथ कनेक्ट है। और एक एक करके हमें चेक करना है, सबको चेक करना है, और इसमें एक को भी कनेक्ट करके ये बल्ब जलना नहीं चाहिए। अगर जलता है तो हमारा जो ये आर्मेचर है ये शॉर्ट है, मतलब ग्राउंडिंग के साथ वो ग्राउंड हो गया है। इस कंडीशन में आप कुछ भी करेंगे तो
आपका स्टार्टर अच्छा काम नहीं कर पाएगा और बैटरी भी आपकी बार बार ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मैं चेक करके लेता हूँ। इसके एक भी कम्यूनेटर के को ये बल्ब जलना नहीं चाहिए, जलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखो, ये ऐसे घुमा के भी आप चेक कर सकते हो, तो इसमें नहीं जल रहा है। तो ये जो आर्मेचर है ये एकदम ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा कपड़े से वगैरह क्लीन करके लेता हूँ। आप चाहे तो पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है, कपड़े से हो जाएगा। कि ये कपड़े से मैं क्लीन करके लेता हूँ और कैसे फिटिंग करना है ये आपको दिखा देता हूँ। तो ये आर्मेचर पे हमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस दोनों साइड में लगा के ले लेना है और ऊपर ये देखो। अब सबसे पहली स्टेप होती है ये जो ब्रश है, ये हमें दोनों तरफ अंदर दबा के रखने हैं इस तरह, और ये आर्मेचर इसमें डालना है। यही एक स्टेप थोड़ी डिफिकल्ट होती है और ध्यान से करनी पड़ती है। ये देखो, एक तो गया, एक ब्रश फिर से बाहर आया, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको फिर से अंदर डाल दूंगा। ये देखो, ये दोनों ब्रश ठीक से अभी अभी नहीं बैठे, हाँ अभी बैठ गए। ये देखो, ये थोड़ी स्टेप है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बैठ जाते हैं, इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है, अब हमें ये मेन बॉडी है, मिडल बॉडी, वो डालनी है। इसमें हमने मार्किंग की है, ये कंपनी में भी देखो मार्किंग के लिए, दो और एक, और इधर एक है। देखो, अगर ये ऐसा उल्टा बिटा देंगे हम तो स्टार्टर हमारा ठीक से काम नहीं कर पा रहे पाएगा। तो इस तरह हमने निकाला था, हमने भी मार्किंग किया था। कुछ कुछ स्टार्टर पे मार्किंग होता है, कुछ पे नहीं होता है। इसमें कंपनी का मार्किंग है, वो भी मैंने पहले देखा नहीं था, इसलिए हमने मार्किंग किया। ठीक है, हर बार आपको मार्किंग अपना खुद का करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो अब ये बॉडी डालते समय इसमें मैग्नेट है, मैग्नेट से ये आर्मेचर ऊपर आ जाएगा और ब्रश से फिर से फिसल जाएगा। तो मुझे ये अंदर दबा के ठीक से लगाना है। ये देखो, ये अंदर ऐसे पूरी ताकत के साथ लगाना है और ऐसे बिठाना है। ये देखो, ये बैठ गया, ये मार्किंग एक के साइड में, ये हमारा मार्किंग, ये आ गया। इसके बाद इसमें वॉशर होते हैं, एक होता है कार्बन वॉशर और एक होता है मेटल का वॉशर। सबसे पहले मेटल का वॉशर डालना है हमें, इसको थोड़ा सा ग्रीस लगाना है, और उसके बाद ये कार्बन का वॉशर, ये प्लास्टिक जैसा होता है, आपको ऐसे समझ जाता है और वेट से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वॉशर डाल देने, और उसके बाद ये ऑयल कैप लगाना है। इसमें बेरिंग होता है, इसमें भी थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है हमें, क्योंकि हमारा जो स्टार्टर है ये स्मूथली वर्क कर सके। बहुत से गाड़ियों के स्टार्टर देखो, स्टार्टर देते हैं तो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो इसमें से जो ग्रीस होता है वो कम हो जाता है, इसके कारण वो आवाज़ करते हैं। तो ये मार्किंग के सामने मार्किंग लाते हैं हम, और ये बैठ गया। अब मैं दोनों जो 7 नंबर के बोल्ट निकाले थे मैंने, वो लगा के लेता हूँ, पूरी तरह टाइट करके लेता हूँ और आपको स्टार्टर दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। ये देखो, ये ठीक से घूम रहा है। अब मैं ये दोनों बोल्ट लगा के लेता हूँ और इधर ही मैं आपको स्टार्टर चला के दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ी में नहीं दिखा सकता। ये जो गाड़ी है डिस्कवर, वो हमने पूरा इंजन उसका निकाला है, पूरा इंजन का काम करना है उसका, इसलिए। तो नहीं तो मैं आपको गाड़ी को लगा के ही आपको दिखा देता। ठीक है, तो अभी ये दोनों बोल्ट मैं लगा के ले लेता हूँ और आपको ये स्टार्टर घुमा के दिखाता हूँ। ये स्टार्टर हमने फिट कर दिया है, आपको अभी ये चला के दिखाता हूँ। ये एक वायर जो है नेगेटिव, ये हमें बॉडी को देनी है। ये इसमें ज़्यादा एम्पियर होता है, इसलिए हाथ से नहीं पकड़ सकता मैं, क्योंकि हिट होती है वायर। ठीक है, और एक वायर जो है पॉजिटिव, ये इस नट को देनी है। ये देखो, ये देखो, हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है ठीक से और एकदम स्मूथ हो गया, आवाज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। ये देखो, ये स्पार्क ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादा एम्पियर का होता है ये। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। इससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में कुछ सवाल हो, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।